हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सब। तो यार फाइनली यार मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब जो यार मैं नॉर्मली टाइम पे वीडियो डाल सकता हूँ एंड आई होप कि यार मैं इस वीडियो को क्रिसमस तक डाल सकूँ। नहीं भाई यार मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, सॉरी यार मेरे पास कुछ काम आ गया है। तो सबसे पहले तो यार हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि यार ये साल तुम्हारा बहुत ज्यादा मस्त जाए और तुम्हारा ही नहीं यार बल्कि सबका अच्छा जाए। तो इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे एनिमे के बारे में जिन्हें यार तुम बिंज वॉच कर सकते हो, वो भी एक ही नाइट में। वेल तुम दिन में भी कर सकते हो, बट बिंज वॉचिंग नाइट इज फेमस, सो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। एंड डोंट वरी यार, मैंने लिस्ट में जो है लिटरली बहुत ज्यादा छोटे और इन्जॉयबल एनिमे रखे हैं जिन्हें यार देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा भी आएगा और इन्हें देखने में तुम्हारा ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। जिन्हें बिंज वॉचिंग के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि बिंज वॉच करना यानी एक सीरीज को एक ही बार में खत्म कर देना। एग्जांपल के तौर पे एक 12 एपिसोड के एनिमे को बिंज वॉच करने के लिए तुम्हें 4 घंटे लगेंगे। अब काफी लोग यार 12 एपिसोड के एनिमे को बिंज वॉच कर लेते हैं, बट यार आज के टाइम पर जो है ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं और सबके पास यार बिंज वॉच करने का टाइम नहीं होता है। बट जो एनिमे यार मैं इस लिस्ट में बताने वाला हूँ उसमें यार तुम 4 घंटे में पूरे के पूरे 4 एनिमे देख सकते हो, तो यार इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हाँ यार एक चीज मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यार इस लिस्ट में जो एक्शन एनिमे सिर्फ एक ही है जो मैंने बोनस के तौर पर डाला है। मेनली लिस्ट में जो है कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस, स्कूल, ऐसी जनर के एनिमे हैं। तो अगर तुम यार एक एक्शन एनिमे की तलाश में आए थे अभी तो सॉरी ब्रो, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। बट हाँ तुम जो है मेरी ओपीएमसी एनिमे वाली वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो भी जो है काफी ऑसम है। और यार न्यू ईयर है तो यार चिल एनिमे देखो, यार एक्शन एनिमे तुम बाद में देख लेना। और भाई अब जो है मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया तो चलो यार अब वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे जो एनिमे है वो है माय वाइफ इज अ स्टूडेंट काउंसिल। इस एनिमे का जनर है कॉमेडी, रोमांस, एची, स्कूल। इसका प्लॉट ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर है हायतो इज़ुमी, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो अपनी क्लास का वाइस प्रेसिडेंट है। और उसकी क्लास की स्टूडेंट काउंसिल यानी प्रेसिडेंट है उई वाकाना, जो इज़ुमी की चाइल्डहुड फ्रेंड है। एंड गेस व्हाट यार, वो जो है बहुत ही ज्यादा नॉटी है और इज़ुमी उससे जो है थोड़ा थोड़ा पसंद भी करता है फॉर वेरियस रीजंस। लेकिन एक दिन वाकाना जो है रात को इज़ुमी के घर आ जाती है और उसे कहती है कि ए सुन, अब से मैं तेरी वाइफ। अरे पर ऐसे कैसे? अरे पर तुझे दिक्कत क्या है? तुझे चाहिए क्या? देखो भाई यार, ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर का जानवर जाग जाता है और अब वो क्या मांगता है ये जानने के लिए तुम्हें यार एनिमे देखना होगा, क्योंकि यार वो कुछ ऐसा है जो मैं मेरी वीडियो में नहीं बता सकता। तो जाओ भाई यार एनिमे देखो। वेल अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्या भाई लॉजिक ही नहीं है, ऐसे कैसे उसने अपने आप इज़ुमी की वाइफ घोषित कर दिया, तो भाई उनके पेरेंट्स ने जो है बचपन में ही डिसाइड कर लिया था। बट क्यों किया था यार ये सब जानने के लिए तुम्हें एनिमे देखना होगा। यार वैसे ये छोटा सा एनिमे है, इसके 2 सीजन है और दोनों ही सीजन में 12-12 एपिसोड है और एक ओवीए एपिसोड है जो टोटल मिला के 25 एपिसोड होते हैं और इसका एक एपिसोड जो है 8 मिनट का होता है। तो डोंट वरी यार, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, इस एनिमे को बिंज वॉच करने के लिए जो है आपके पास होने चाहिए 3 घंटे। और अगर भाई यार तुम्हें लग रहा है कि 3 घंटे बहुत ज्यादा है तो तुम यार पहले एक सीजन और ओवीए देख लेना और उसके बाद तुम जो है ब्रेक लेकर बाद में सीजन 2 देख सकते हो। तो नंबर 9 पे जो एनिमे है वो है सेन्यू। इसका जनर है कॉमेडी, एक्शन, फैंटेसी, पैरोडी। एंड नो यार मैंने कहा था कि लिस्ट में सिर्फ एक ही एक्शन एनिमे है, बट यार ये जो है एक पैरोडी एनिमे है तो इसका एक्शन भी जो है एक नॉर्मल लेवल का है। मेनली ये कॉमेडी एनिमे है जो सही में यार बहुत ज्यादा औसम है, मतलब यार ये जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट में से एक बन चुका है और इसलिए यार मैंने इसको एक्शन में इतना ज्यादा इंक्लूड नहीं किया है। बट जो बोनस एनिमे है उसमें जो यार एक्शन बहुत ज्यादा ही खतरनाक लेवल का है। खैर इस एनिमे का प्लॉट ये है कि बहुत टाइम पहले डीमन लॉर्ड रिमेडस का पूरे वर्ल्ड पे टेरर था अंटिल लेजेंडरी हीरो क्रिसियन ने आके उसको सील कर दिया था। हजारों सालों तक यार सब बढ़िया चल रहा था पर एकदम से यार एक मिस्टीरियस पोर्टल आ गया जो ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड को कनेक्ट करता था। और उसके बाद क्या होना था, बहुत सारे डीमन्स ह्यूमन रियल में आने लग गए और ह्यूमंस को मारने लग गए। और ये सुनते ही वहां का किंग इंस्टाग्राम पे लाइव आया और उसने कहा, जय हिंद दोस्तों। लेकिन ये डीमंस को तो समझाना नहीं था, तो वहाँ के किंग ने लेजेंडरी हीरो क्रिसियन के जितने भी डेसिडेंट्स थे उन सबको जो है बुलाया और डीमन लॉर्ड को हराने के लिए वहाँ पर जो है टोटल 75 लोग आ रखे थे। और अब उसमें से किंग को जो है एक हीरो चूज करना था, तो उसने चूज किया हमारे मेन कैरेक्टर अल्बा को कि तू जाएगा उसे हराने। लेकिन अल्बा एक अमैच्योर एडवेंचरर है जिसकी स्किल्स भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट उसका जो दोस्त है, अब तुम उसे दोस्त कह भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन हाँ हम दोस्त मानेंगे, वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और भाई वो एक सेडिस टाइप का बंदा है और उसका नाम है रोस। और यार अल्बा रोस दोनों ही जो है बहुत ही ज्यादा गजब के कैरेक्टर हैं। तो ये एनिमे इन्हीं के एडवेंचर के बारे में है कि एक ऐसे डीमन लॉर्ड को हराते हैं। वेल इस एनिमे का ट्विस्ट भी जो है कमाल का है। इसके 2 सीजन है और दोनों ही सीजन में 13-13 एपिसोड है, प्लस 2 ओवीए हैं और 4 स्पेशल एपिसोड है, तो टोटल मिला के यहाँ पर 32 एपिसोड है। लेकिन इन 32 एपिसोड को देखने के लिए तुम्हें सिर्फ 1.5 घंटा चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि इसका जो एक एपिसोड है वो सिर्फ 3 मिनट का है। एंड डोंट वरी, जो मैंने प्लॉट बताया है वो जो है सिर्फ 30 सेकंड का है। तो नंबर 8 पे जो एनिमे है वो है आउचा कान स्टडी। अब ये एनिमे यूट्यूब पे अवेलेबल है तो यार हो सकता है कि तुमने एनिमे देख रखा हो, बट जिन्होंने नहीं देखा उन्हें जरूर देखना चाहिए। इसका जनर है रोमांस, कॉमेडी, एची। दिस एनिमे इज ऑल अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर क्यूट आउचा। देयर इज अ गाय नेम किजीमा जो आउचा को पसंद करता है, बट आउचा को लगता है कि ही ओनली वांट वन थिंग एंड दैट इज
आँचा अपनी पढ़ाई पे जो है ध्यान देना चाहती है क्योंकि उसको अलग रहना है अपने डैड से। अब क्यों अलग रहना यार, तुम ये एनिमे में देखना। और भाई आँचा के डैड भी जो है भाई एक नंबर कैरेक्टर है। तो इसका सिर्फ एक ही सीजन है जिसके 12 एपिसोड है और हर एपिसोड जो है 12 मिनट का है। तो इसे बिंज वॉच करने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट चाहिए। तो नंबर 7 पे जो एनिमे है वो है सूर्य जूरे चिल्ड्रन। इस एनिमे में कोई एक मेन कैरेक्टर नहीं है बल्कि इस एनिमे में जो है बहुत से कपल्स की स्टोरी है। एंड आई डोंट नो यार इफ कपल इज द राइट वर्ड क्योंकि यहाँ पे ये तो हाई स्कूल स्टूडेंट है। खैर ये मत समझना कि बहुत सारे कैरेक्टर है तो एनिमे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है, ऐसा जो है कुछ भी नहीं है। बस ये जान लो कि ये जो है होरिमिया जैसा है, यानी कि यार ये एक ही स्कूल में जो है काफी स्टोरी चल रही होती है। सो इसका जनर है रोमांस कॉमेडी स्कूल। काफी चिल एनिमे है जो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। इसका एक ही सीजन है जिसमें 12 एपिसोड हैं और इसका एक एपिसोड 12 मिनट का है और इसे देखने में भी तुम्हें 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे। तो नंबर 6 पे जो एनिमे है वो है दानची गाई। और अगर तुम स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखते हो तो तुम्हें ये एनिमे और भी ज्यादा पसंद आने वाला है। और अगर तुम नहीं भी देखते तुम्हें तो भी पसंद आएगा क्योंकि एक डेली लाइफ एनिमे है जिसका जनर है कॉमेडी एंड स्लाइस ऑफ लाइफ। इसका प्लॉट ये कि हारुकी नाकानो जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स जो है ओवरसीज रहते हैं, अब वो अपने घर में अपनी 4 बहनों के साथ रहता है। उसकी सबसे बड़ी सिस्टर का नाम है मुस्की जिसे कभी भी सोने की आदत है, याओई जो एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है और ये उसकी है तो बहन बट तुम यानवे में देख लेना। और उसकी दो सबसे छोटी छोटी ट्विन सिस्टर है उजुकी और सासुकी जो हारुकी के साथ प्रैंक्स और खेलती रहती है। तो अब इन 4 बहनों के साथ जो है वो अपने घर में रहता है और उसकी लाइफ में जो बोरिंगनेस है वो बिल्कुल भी नहीं है। और यानवे देखते वक्त भी भाई तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। तो इसका एक ही सीजन है जिसमें 12 एपिसोड है और एक ओवीए है, यानी टोटल 13 एपिसोड है और इसका एक एपिसोड 3 मिनट का है। तो इसको बिंज वॉच करने के लिए तुम्हें सिर्फ 40 मिनट चाहिए। हाँ भाई, मतलब एक नॉर्मल एनिमे के 2 एपिसोड इस पूरे एनिमे के बराबर है। नाउ इज द टाइम फॉर द बोनस एनिमे। सो अभी तक यार हम काफी चिल कॉमेडी एनिमे के बारे में बात कर रहे थे, सो नाउ इट्स टाइम टू गेट सीरियस। और अब बात करते हैं एक ब्लड शेड वायलेंस एक्शन एनिमे की जो है एफ्रो समुराई। और मैं कहूंगा कि दिस इज 18+ एनिमे नॉट फॉर द रीजन जो तुम सोच रहे हो, बल्कि इसे देखने के लिए यू हैव टू बी मैच्योर इनफ। ये एक एक्शन एडवेंचर समुराई एनिमे है। और इसका प्लॉट बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि मैं एपिसोड 1 के स्पॉइलर देने वाला हूं, नॉट अ मेजर बट वो जो एक मेन थीम का लाइक मेन स्टोरी का मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ। इफ यू वांट टू स्किप जो है तुम स्किप कर सकते हो और टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। सो इनका वर्ल्ड ऐसे सेट है कि देयर आर 2 हेडबैंड्स, नंबर 1 और नंबर 2। और जिसके पास ये नंबर 1 हेडबैंड होता है वो जो है गॉड जैसा माना जाता है और वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। और सिर्फ ये नंबर 2 ही नंबर 1 को चैलेंज कर सकता है, बट नंबर 2 के टाइटल के लिए जो है उसे कोई भी चैलेंज कर सकता है। आई एम सॉरी यार अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया और तुम समझ नहीं पाए तो एक बार बैक करके देख लेना, तुम समझ जाओगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर एफ्रो के डैड जो है नंबर 1 वॉरियर होते हैं, बट जब एफ्रो छोटा होता है तो नंबर 2 आके उसके फादर को चैलेंज करता है और उसके फादर का हेड जो है अलग कर देता है और बन जाता है नंबर 1। एफ्रो उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो छोटा भी था और वो बस रो रहा होता है। देन ही डिसाइडेड टू किल द नंबर 1 एंड एवेंज हिज फादर। तो अब एफ्रो नंबर 2 वॉरियर होता है जो नंबर 1 को ढूंढ रहा होता है और एफ्रो जो है अब मेन स्टोरी में बड़ा भी हो गया होता है। एफ्रो इज ओपी एमसी तो तुम्हें जरूर पसंद आएगा, बट ये एनिमे जो है पूरा कंप्लीट नहीं है, यानी इसकी एनिमे अडैप्टेशन जो है पूरी मांगा कवर नहीं करती है। तो इसको तुम बस एक एक्शन एनिमे के लिए देख सकते हो। इसका एक सीजन है जिसमें 5 एपिसोड है और एक एपिसोड 25 से 26 मिनट का होता है और इसकी जो एक मूवी है जो इसकी एनिमे की आगे की स्टोरी है और दोनों को मिलाकर यार तुमको 3 घंटे 40 मिनट चाहिए इसे पूरा कंप्लीट करने के लिए। बट मैं सजेस्ट करूंगा पहले यार तुम एक सीजन देखना और ब्रेक के बाद ही मूवी को देखना। और पर्सनली मैं ये एनिमे सबको रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर तुम्हें पेशेंस है तो ही भाई इस एनिमे को ट्राई करना। तो नंबर 5 पे जो एनिमे है वो है आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट माय हस्बैंड इज सेइंग। इसका जनर है कॉमेडी रोमांस स्लाइस ऑफ लाइफ। तो इसका प्लॉट ये है कि हाजी में सुनाची एक हार्डकोर ओटाकू है जो ब्लॉगिंग से अपना गुजारा करता है। एंड हाँ यार उसकी एक वाइफ भी है। हाँ भाई ओटाकू की भी वाइफ होती है, अगर तुम भाई ये नहीं समझ पाए तो जापान में जो है ओटाकू की कोई वैल्यू नहीं होती है, सो नो वन केयर्स अबाउट देम एक्सेप्ट देयर लव्ड वंस। यहाँ मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। खैर उसकी वाइफ है कारो जो एक ऑफिस में काम करती है एंड शी हैज ए हैबिट ऑफ स्मोकिंग और वो जो है हैवी ड्रिंकर भी है। तो दोनों की बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी वो दोनों जो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ लव। तो ये एनिमे इन्हीं की डेली लाइफ के बारे में है जो कि काफी मस्त है। यार पता नहीं क्यों बट मुझको ऐसा लगता है कि ऐसे चिल एनिमे सिर्फ मैं ही देखता हूँ, बट ऐसा नहीं है मुझे पता है। तो अगर तुम भी यार तुम्हें भी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे पसंद आते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो इस एनिमे के 2 सीजन है जिसमें टोटल 26 एपिसोड है। इसका एक एपिसोड 3 मिनट का है तो इसे बिंज वॉच करने के लिए यू नीड ओनली 1 hour 18 minutes। तो नंबर 4 पे जो एनिमे है वो है ओनेचा गा किता। ये कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है और इसका प्लॉट ये है कि हमारे मेन कैरेक्टर तोमया मिजुहारा जो एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है उसके डैड जो है रीमैरिज कर लेते हैं और सडनली यार अब उसकी जो 17 साल की एक बहन आ जाती है जिसका नाम इचिका होता है और वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोडक्टिव एंड अफेक्शन टाइप की होती है। और ऑब्वियसली यार किसी की भी लाइफ में एकदम से एक लड़की आ जाए और बोले कि अब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो यार थोड़ा टाइम तो लगेगा तुम्हें एडजस्ट होने में। तो ये एनिमे इसी बारे में है कि
तो ये एनिमे इसी बारे में है और यार काफी क्यूट और छोटा सा एनिमे है और इसका भी एक एपिसोड सिर्फ 3 मिनट का ही है। इसका एक ही सीजन है जिसमें 13 एपिसोड है और इसे बिंज करने के लिए तुम्हें सिर्फ 32 मिनट लगेंगे। तो नंबर 3 पे जो एनिमे है वो है साइक्लोब शोजो साइबू। ये कॉमेडी एची स्कूल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। इसका प्लॉट ये है कि साइतो फुका, जिसको उसके हेयर की वजह से सब साइबू बुलाते हैं, शी हैज अ ब्रदर कॉम्प्लेक्स। अगर तुम्हें नहीं पता कि ब्रदर कॉम्प्लेक्स या सिस्टर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सो इट्स लाइक एन ऑब्सेशन इन अ डिफरेंट वे। तो तुमने काफी एनिमे में यार ये देखा भी होगा कि जब एक करेक्टर छोटा होता है तो वो अपने मम्मी बहन भाई किसी को भी जो कह देता है कि मैं आपसे भाई बड़े होकर शादी करूंगा या करूंगी, एंड फिर वो बड़े होकर इस बात पे हंसते हैं कि वो तो बचपना था। बट यहाँ केस अलग है, हिकारू जो साइपू का बड़ा भाई है उसने भी साइपू को जब वो छोटी थी उसको ऐसा ही प्रॉमिस कर दिया था, एंड नाउ अब जो है साइपू बड़ी हो चुकी है, बट इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ 14 साल की हुई है। बट शी हैज अ वियर्ड अफेक्शन टुवर्ड्स हर ब्रदर और वो हर चीज को बहुत ही ज्यादा एरोई वे में कर देती है। अब तुम्हें एरोई का मतलब नहीं पता है तो जाओ भाई गूगल करो। तो ये एक मस्त अच्छी कॉमेडी एनिमे है जो तुम्हें देखना चाहिए। इसका एक ही सीजन है जिसमें 12 एपिसोड है और इसका एक एपिसोड सिर्फ 2 मिनट का है। हाँ भाई, पूरी लिस्ट में सबसे कम मिनट का एपिसोड इसी का है, इसी एनिमे का है। और ये पूरा एनिमे बिंज करने के लिए तुम्हें सिर्फ 24 मिनट चाहिए, यानी एक नॉर्मल एनिमे का एक एपिसोड इज इक्वल टू दिस होल एनिमे। तो भाई तुम कितने भी बिजी हो ये तो तुम इजीली देख सकते हो। तो नंबर 2 पे जो एनिमे है वो है आहुगल, यप आवर बैडेस एमसी एनिमे। वेल इसकी मेन कैरेक्टर तो योशिको है, यानी हमारी आहुगल। और डब वॉचर्स को मैं बता दूं कि आहु मतलब स्टूपिड होता है और सही में भाई योशिको बहुत ज्यादा स्टूपिड है, बट लिटरली बहुत फनी एनिमे है ये। एंड शी इज ऑब्सेस्ड विद बनाना, जो इसे मंकी की तरह रिप्रेजेंट करता है। आकुरा कुसु, जिसको ये आकुंग करके एड्रेस करती है, वो जो है योशिको का पड़ोसी है और उसका बचपन का फ्रेंड भी है और बचपन से ही सुधारना चाहता है उसको, बट योशिको नहीं मानती है। इवन योशिको की मॉम भी उससे उम्मीद खो चुकी है। अब मैं और नहीं बताना चाहता यार, क्योंकि मैं मतलब इसमें तुम बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहता, तो तुम जाके डायरेक्ट यान में देखना। एंड आई नो कि यार ज्यादातर लोगों ने यान में देख रखा होगा क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, एंड बट स्टिल यार मैंने इसको इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी इस एनिमे को मिस कर दे। तो इसका भी यार एक ही सीजन है जिसके 12 एपिसोड है और एक एपिसोड 12 मिनट का है। तो द टोटल टाइम यू नीड टू वॉच दिस एनिमे इज 2 आवर 20 मिनट्स। सो फाइनली नंबर 1 पे जो एनिमे है वो है द लव इज लाइक अ कॉकटेल। ये एक रोमांस कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जिसका एक ही सीजन है और जिसमें सिर्फ 24 एपिसोड है। इसका प्लॉट ये है कि चिसातो मिजुसावा, जो कि एक ऑफिस वर्कर है, और वो जो है बाहर बहुत ज्यादा शांत और काम रहती है, बट वो घर आते ही उसका हस्बैंड सोरा, जो एक बार है और एक हाउस हस्बैंड भी है, उसके लिए वो जो है एक ड्रिंक और खाना तैयार रखता है। और हल्का सा ही ड्रिंक करने के बाद चिसातो का जो है क्यूट वर्जन बाहर आ जाता है, जो बहुत ही क्यूट है। ये एनिमे इनकी लाइफ के बारे में और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट एनिमे आया है, मेरे को बड़ा पसंद आया ये। और यार अगर तुम इतना सिंगल हो तो जलने के लिए तैयार रहना, इसे बिंज वॉच करने के लिए तुम्हें जो है सिर्फ 35 मिनट लगेंगे। तो बस यार यही थे वो टॉप 10 शॉर्ट एनिमे टू बिंज वॉच, एंड आई होप कि यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई। और अगर यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो का लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक हम रखते हैं 300 लाइक्स का, और प्लीज यार कर दो। एंड ज्यादातर यार एनिमे जो है वो सब में ही अवेलेबल है, क्योंकि यूजुअली यार शॉर्ट एनिमे जो है डब नहीं किए जाते अनलेस वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए। खैर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए। और अगर तुम्हें यार लगा कि मेरी वॉइस जो है थोड़ी डाउन है, तो ऐसा नहीं है यार, मैं काफी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझको खुद अजीब लग रहा है अभी। आई डोंट नो यार कैसी वीडियो बनेगी इस बार, बट आई स्टिल होप कि तुम्हें पसंद आए। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और वन पीस नारुतो जैसे एनिमे नहीं देख पाते, तो ये शॉर्ट एनिमे देखकर एंजॉय कर सकते हैं। सो अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले टाटा सायोनारा, बाय।